यदि आपके घर में इस तरह की अस्तीने पड़ी हुई है और आप जानते नहीं है कि हम इसका क्या करें क्या ना करें आपने कभी इसका यूज नहीं देखा तो यह वीडियो आपके लिए तो यहाँ पर देखिए सर्दियों के लिए मैंने इन्हीं इन अस्तीनों की एकदम बहुत ही धास बहुत ही अच्छी चप्पलें बनाई हुई है बहुत ही सुंदर है यूजफुल है और आप सर्दियों में इसे अंदर पहन सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ही गर्माहट देने वाली है तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल आसान पल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो यहाँ पर देखिए हमारे घर में क्या होता है कि बच्चे होते हैं या जेंट्स होते हैं तो टू इन में जो हमारी जैकेट वगैरह होती है तो बच्चे या जेंट्स लोग क्या करते हैं कि जो होती तो इनको निकाल कर रख देते हैं उनका कम बहुत ही कम यूज करते हैं और हमारे निकल हैं। तो मैंने इसका यूज चप्पल बनाने के लिए किया है और वो भी चप्पल बहुत सुंदर लगने वाली है बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो यहाँ पर देखिए दो हिस्से हमारे निकल गए हैं ऊपर का जो हिस्सा कटिंग दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने इसका बेस तैयार किया हुआ है तो यहाँ पर देखिये बेस इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए कि चप्पल कितनी सुंदर बनेगी तो यहाँ पर आप नाप के हिसाब से या थोड़ा बड़ा भी आप ले सकते हैं तो यहाँ पर सोफा की एक मेरी पुरानी गद्दी डली हुई थी तो ये ऊपर का मखमली हिस्सा और नीचे का प्लेन हिस्सा मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसके अंदर चलिए मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या कैसला है जो उसे मजबूत देगा और इसकी जो गर्माहट को लॉक करेगा तो नीचे ये हमारा नॉर्मल कपड़ा है उसके बाद यहाँ पर मैंने जो हमारे घरों में जो चावल या फिर दाल की जो बोरी आती है तो ये मैंने बोरी का हिस्सा काट कर नाप के ले लिया था और जो अस्तीन जो बताई है खोली थी तो ये काला और सफेद वाला व्हाइट वाला हिस्सा ये इसका है तो यहाँ पर मैंने नाप के वो ले लिया था जो सबसे गर्माहट इंपोर्टेंट है जो कपड़ा और ऊपर मैंने सोफा की गद्दी वाला कपड़ा लिया तो इस तरीके से ये चार कपड़ों यानी चार लेयर वाला ये मैंने बेस तैयार कर लिया अब हमें करना है इसके ऊपर वाला मतलब जो हिस्सा तैयार तो चलिए हम उसको बताते हैं कि वो मैंने किस तरीके का लिया है तो यहाँ पर ये दोनों हिस्से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छी मैंने घनी सिलाई भी डाल दी आप अपने हिसाब से इसमें सिलाई डाल सकती हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या भरा है इसके अंदर ये पहले साड़ी का कपड़ा ले लिया है यहाँ पर ये बहुत ही फटी पुरानी जर्किन थी तो उसकी अस्तीन को मैंने यहाँ पर ठिकाने लगा दिया तो एक हिस्सा मैंने वो लिया है और एक हिस्सा जो मैंने अभी खोली थी जर्किन उसका लिया है और यहाँ पर ये हमारा सोफा का कवर हो गया तो इस तरीके से चार लेयर इसमें भी है ये काफी मोटी है और काफी गर्माहट देने वाली होंगी तो यहाँ पर जो हमने बेस तैयार किया है तो उस बेस में पहले आप निशान लगा लें कि आपके पैर की साइज क्या है आपको फिटिंग की बनाना है या ढीली बनानी है तो उस तरीके से आप इसका नाप ले लें और आप इस तरीके से नापते हुए आप इसको कट कर लें ताकि सिलाई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो तो इस तरीके से देखिए ये पहले हमने यहाँ पर सिलाई करी हुई थी बीचों बीच भी, फिर इसके बाद किनारी पर ये जो किनारी का आप जो कपड़ा देख रहे हैं कॉफी कलर का तो ये पुराना यूजलेस कपड़ा डाला हुआ था पर्दे का तो यहाँ पर मैंने वो तैयार कर लिया है उसको लगाकर और ये किनारी देखिए कितनी मोटी लग रही है और जो देखने में लग रही है और बहुत ही पलटाने के बाद तरीके से हमें चिंदी है कपड़ा है यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भरने के लिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था तो चिंदियों से एक बहुत सुंदर डोरमेट बनाया था तो ये उसी की चिंदिया है तो यहाँ पर मैंने उसको भर लिया है तो ये मुलायम भी है बहुत ही गुदगुदा भी है और इसका लुक बहुत अच्छा आया है तो यहाँ पर इन जो धजियां होती है हमारी चिंदिया तो उनको भर के इस तरीके से हमें सिलाई कर देना तो ये बहुत ही बनाना सरल है इजी है और बहुत ही यूजफुल है हमारे घरों में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ घर के अंदर चप्पल पहनना अलाउ नहीं होता तो पूरे घर में आप इस तरीके की चप्पल बनाकर आप यूज कर सकते हैं इसे कोई भी पहन सकता है देखने में बहुत ही सुंदर है आप चाहे तो इसमें मोती वर्क भी कर सकते थे तो बिल्कुल बाजार जैसी आपको ये चप्पल लगती तो उम्मीद है ये चप्पल आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप जरूर इस तरीके से गर्माहट देने वाली आप बनाएंगे और चाहे तो इस तरीके से ऊपर आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए चैनल आसान बल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बाय